हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए निफ्टी फिफ्टी एक प्रेशर से गुजरती हुई नजर आ रही है अगर हम यहाँ पर देखें आज के दिन में भी कुछ खास यहाँ पर था नहीं ओके एक फ्लैट मोड कह सकते हैं नीचे गिरते हुई दिखाई दे रही एक्सेप्ट दिस अगर हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की तो निफ्टी मिड कैप यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया है, ओके okay, uh, तो अच्छा uh, अगर, uh, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी 89 पॉइंट्स की जम थी एक अच्छी खासी जगह uh, मतलब अच्छा खासा रिवर्सल इसने दिखाया तो देखिए कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ओके यहाँ पर जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं आपने रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो पढ़ाई है हमने कितनी बार यहाँ पर डिस्कस किया है रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो टारगेट अचीव होते हैं तो ही यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे और यहाँ तक देखिए चीजें आई थी ओके okay, यहाँ पर जो बनता हुआ नजर आया था ओके रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर देखिए ये शोल्डर बनाया इसने यहाँ हेड बनाया सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न और यहाँ पर एक हेड और बना के नीचे आया तो इसके टारगेट देखिए मीट होते हुए दिखाई दिए थे इसी तरीके से निफ्टी फिफ्टी के दो दिग्गज स्टॉक जो की आपने नाम देख लिए है हिंदुस्तान यूनि ओके okay, यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनि देखिए देखिये यहां पर भी एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और टारगेट आ रहा है अठारह सौ रुपए एज वेल एज बात करें यहां पर एक और शेयर डिविस की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी और टारे इकतालीस सौ रुपए के आसपास तो क्या यहाँ पर ये टारगेट अचीव होंगे या फिर यहाँ से चीजें ऊपर निकलती हुई है आएगी तो उसी चीज से रिलेटेड बातें करने वाले हैं तो आपको उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना है बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने कि कौन से टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं तो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे आपको सीखने का मौका मिले चार्ट पैटर्न रीड करने का मौका मिले एज वेल एज वीडियो यहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है तो वीडियो में भी आप लास्ट तक बने रही है क्योंकि तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो की तरफ बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जितने

बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमें टारगेट अचीव होंगे या नहीं सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर एफ एम सेक्टर की निफ्टी फिफ्टी की बहुत पुरानी बहुत दिग्गज इस तरीके की कंपनी है ओके यहाँ पर अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कि किस तरीके से यह बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न नजर आता है बट बीच जैसे कि कोई भी चीज़ परमानेंटली ऊपर नहीं जाती ऊपर जाने के बाद नीचे भी आती है तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एक बार यहाँ पर नीचे आई ऊपर गई यहाँ पर नीचे आई फिर यहाँ से देखिए एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखेंगे ये शेयर चल रहा था दो सौ का और फिर इसके बाद वन तक आया तो ऐसी गिरावट पहले भी हो चुकी है तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा फिर थोड़ा सा कंसॉलिडेशन करके ऊपर की तरफ गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर फिर नीचे तो इस तरीके की गिरावट होती रही है तो इस यहाँ पर ऊपर गई फिर एक कंसॉलिडेशन नीचे आई फिर ऊपर गई तो यहाँ देखिए ये

शेयर ट्रेड कर रहा है और एचयूएल की बात करें तो एचयूएल के यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके ब्रांड्स देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपके घर पे ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं देखिए डव सोप क्लोजअप लाइफ बाय एक्स यहाँ पर कॉन्टो आइसक्रीम रेड लेबल डोमैक्स रेन ओके रेक्सोना वेस्लिन पेप्सोडेंट मतलब एज सर्फ सर्फ यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स व्हील्स यहाँ पर देखिए ये सारे प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं तो आप खुद बताइए कि ऐसी कंपनी को एग्जैक्टली exactly होना क्या चाहिए तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी से रिलेटेड तो बट टारगेट आ रहे हैं तो शायद वो टारगेट अचीव भी हो सकते हैं तो सेल्स की बात करें तो देखिए एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का यहाँ पर सेल्स देखिए अच्छी खासी है नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है बट फिर भी कंपनी की बात करें तो एक साइड बेस जोन में चल रही है रिजर्व देखिए कंपनी के रिजर्व यहाँ पर देखिए सैंतालीस आठ करोड़ से सिंह सैतालीस हजार करोड़ होते हुए दिखाई देते हैं

Uh, यहाँ पर यूनिलीवर uh, के साथ कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई नहीं दे रही है चार्ट पैटर्न uh, यहाँ पर अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी uh, के साथ ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर प्रॉफिट बट लंबे टाइम की अगर हम बात करें तो बीच बीच में इस तरीके की गिरावट आती है और इस तरीके की गिरावट आती है ना तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है उस अपॉर्चुनिटी में चीजें खरीदने की तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की तो देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन इस इस पर्टिकुलर शेयर में ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर से अगर आप देखेंगे दो हजार बीस में जब से गिरावट हुई है और जब से शेयर भागा है तब से उसी लेवल पे यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर बना था इससे पहले सपोर्ट यहाँ बना था यहाँ बना है ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आए ये सपोर्ट और यहाँ पर ही काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है तो मुझे तो मोस्टली लगता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं है क्योंकि आज एफ के कुछ से शेयर थे जो यहाँ पर भागते हुए दिखाई

फिर इसके बाद यहाँ पर एक हेड बना हेड बनने के बाद यहाँ पर यह टारगेट आ तो रहा है, आ रहे है के तो अठारह सो बाईस मतलब बाईस परसेंट की गिरावट की बात हो रही है जब बाईस परसेंट की गिरावट अगर ऐसी होती है ना तो याद रखिये अः यहाँ पर से मुझे नहीं लगता गिरावट होगी ऊपर हो लेगा यहाँ पर से यहाँ पर से बाइंग आ जाएगी बट स्टिल अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है नोबडी कैन प्रेडिक्ट नोबडी कैन टेल यू कि एग्जैक्टली exactly होना क्या है तो तो मौका चूकेगा मत फिर ये शेयर आपको 57% के रिटर्न सूनर और लेटर आपको देता हुआ दिखाई देगा बट यहां से चीजें यहां से रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है तो अगर गिरावट होती है तो बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति अपनाइए क्योंकि चीजें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी क्योंकि हिंदुस्तान का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर गिरावट होती है और गिरावट खरीदने का मौका होता है और एक अच्छी खासी फिर रैली आती हुई दिखाई देती है तो याद रखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बेहतरीन शेयर है इसी तरीके से एक और शेयर यहाँ पर नजर आता है डिविस लेबोरेटरी डिविस लेबोरेटरी की बात करूं फिलहाल इसी साल 2021 में ही आई थिंक इफ आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर ये निफ्टी फिफ्टी में एड हुआ था आर ओसी काफी बेहतरीन है लार्ज कैप कंपनी है ये भी और काफी बेहतरीन डिग्गज स्टॉक्स है काफी बार आपको ये बताया था तीन हजार के लेवल पे बताया था फिर ये पांच हजार चौवन सौ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया काफी बार हमने इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी करी है और यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है आर ओ सी अच्छा है छप्पन के पीई पे है और यहाँ पर कंपनी ए पी आई बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देखेंगे आप कोई मेडिसिन अगर यूज करते है

और फार्मा इंडस्ट्री भारत की आपको पता ही है इस यहाँ पर अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई देती है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ आप प्रोडक्ट्स आपको तो पता चल जाएगी कि ये कंपनी किस किस तरीके के जेनरिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है और किस यहाँ पर इंडिया में ही नहीं बाहर की कंट्रीज में यहाँ पर यह सप्लाई करती हुई दिखाई देती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है तो डिविस लेबोरेटरी एक बेहतरीन स्टॉक्स है शेयर है मैक्सिम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो देखिए दो हजार पांच में उनचास रुपये का हुआ करता था और फिर एक बेहतरीन यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है बट बीच

देती है अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न निकालते हैं और देखते हैं और अगर ये यह चीजें पर पर गिरती हुई दिखाई देती है इस तरीके से तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए शेयर ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम लाते हैं सॉरी पर ले, आपका परिवेश पे ओपन कर लेते हैं तो चीजें यहाँ पर क्लियर होगी तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो बीस नीचे आ चुकी है यहाँ पर चीजें अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो यहाँ पर से देखिए 20 परसेंट के टारगेट आते हैं जो कि सूनर और लेटर अचीव होते हुए दिखाई देंगे ऐसी चलती हुई दिखाई देती है ऊपर जाती है ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना होता है और यहाँ पर अच्छी खासी चलने के बाद तो फिर यहाँ पर नीचे आती हुई पर खरीदने का मौका होता है बट अगर हम बात करें यहाँ रेजिस्टेंस की देखिए ऐसे रेजिस्टेंस पे आके चीजें यहाँ पर खड़ी है कि पहले भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले चुकी है तो यहाँ से अगर चीजें यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है बट स्टिल यहाँ पर जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अः तो यहाँ पर अगर देखते हैं ये शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर हेड बनाया फिर एक और यहाँ पर हेड बनाया बड़ा वाला और ये शोल्डर बनता हुआ चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है तो इस केस में क्या करना है इस केस में देखिए दो टारगेट आ रहे हैं इसके हिसाब इस से देखते हैं तो ये चौदह और नीचे आ सकता है इसके हिसाब इस से देखते है दस नीचे आ सकता है तो यहाँ पर एक तो टारगेट यही है इसके अलावा चीजें यहाँ भी रुक सकती है क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेती हुई नजर नजर आ रही है इसके अलावा दूसरे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये दो तीन सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर गिरता है ये शेयर तो इस केस में आपको अच्छे तरीके से बाय ऑन डिप्स करनी है और बाय ऑन डिप्स करने के बाद आपके जो रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे वो एक मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे फार्मा में चीजें इसी तरीके से चलती है अभी बीस परसेंट तो अभी यहाँ पर बत्तीस परसेंट के फिर रिटर्न होते हुए नजर आएंगे बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करें और मुझे नहीं लगता है यहां से चीजें ज्यादा गिरती हुई नजर आएगी क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए तो थोड़ी सी गिर सकती है थोड़ी सी क्यों गिरेगी क्योंकि यहाँ पर आर शायद थर्टी के नीचे तक आ सकता है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर आया है तो इसी लेवल पर आदमी आ सकता है तो थोड़ा समझने की कोशिश करे और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति अपनाइएगा अगर यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो चीजें काफी बेहतरीन है रिजल्ट काफी बेहतरीन है एक आध जो गिरना होगा दो तीन चार दिन में गिर लेगा उसके बाद चीजें ऊपर जानी है क्योंकि रिजल्ट आने हैं रिजल्ट आने के बाद चीजें ऊपर ही जानी होती है नीचे नहीं आनी होती फिर भी स्टिल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए कमेंट करिएगा शेयर करिएगा जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे और आप लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस